हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रेसिडेंट ईवल 2। तो लास्ट एपिसोड में भाई हमने थोड़े सीवर्स के रैट्स को मारा था जो म्यूटेट हो गए थे, प्लस हमने हमें एडा भी मिल गई थी। एंड हमें बेसिकली एडा को बचाने के लिए ना हमें 3 प्लग्स चाहिए और उनकी लोकेशन मेरे को पता है। पर उससे पहले लास्ट एपिसोड में मेरे को एक फ्लेम रोल मिली थी जहाँ मैं जो मैं इस डार्क रूम में लेके आया और उसके अंदर से मेरे को 2 फोटोज़ मिली बेसिकली। एंड उस 2 फोटो से बेसिकली मेरे को ना लूट मिलेगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें फ्लेम थ्रोअर की एमो मिल सकती है दोनों में ही। या तो फ्लेम थ्रोअर की एमो मिलेगी या फिर कुछ और भी मिल सकता है, अटैचमेंट वगैरह किसी की, जो मैं श्योर नहीं, लेकिन फ्लेम थ्रोअर की एमो तो पक्का है। तो दोनों लोकेशन मुझे पता है, एक तो सेकेंड फ्लोर में जो स्टार ऑफिस है वहाँ पे रूम के अंदर एक ड्रॉर है, उसके अंदर से एक मेरे को मिलेगा लूट, और दूसरी लूट मेरे को मिलेगी ईस्ट साइड पे पुलिस ऑफिस के जो पुलिस स्टेशन के जो ईस्ट साइड है ना, वहाँ पे एक प्रेस रूम था, उसके अंदर एक मतलब रूम है, वहाँ पे ड्रॉअर के अंदर एक लूट है। तो मेरे को दोनों की लोकेशन पता है, तो मैं पहले यहाँ ये चीज़ें एक्वायर करता हूँ फिर आगे चलते हैं। प्लस हमें एक और पिछले एपिसोड में एक जो लॉकर था उसका भी मेरे को कोड मिल गया है, तो वो उस लॉकर की लूट भी हम एक्वायर करेंगे। बेसिकली मेरे को अपने स्टेप्स को मतलब जैसे कि मैंने गेम प्रोग्रेस किया था वैसे मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को जाना कहाँ उस लॉकर के लिए। ओके, लिकर भी घूम रहा है यहाँ पे, तो मैं आराम से चलता हूँ, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लिकर विकर तो है नीचे, तो है एटलीस्ट। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि इधर आएगा कि नहीं आएगा। इधर तो है लिखा, इधर तो पता है। हाँ वो देखो ऊपर ही है लिखा। अच्छी बात, एक पीठ दिखा के खड़ा है। ये देखो ये नहीं ना लूट, ये पहले नहीं था, ये मेरे को सीक्रेट फोटो मिल गई ना वहां से, तो जाके ये लूट खुल रही है, वरना पहले मैंने यहाँ पे चेक किया था जैसे तभी इस ड्रॉअर को खोलने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ओके, वुडन बॉक्स, क्या है इसके अंदर बताओ। आई डोंट थिंक इसके अंदर फ्लेम थ्रोअर की एमो है, वो वुडन बॉक्स के अंदर क्यों देते हैं। हाँ अटैचमेंट ही है, तो मैं श्योर था। तो एक में अटैचमेंट है और दूसरे फोटो में आई थिंक फ्लेम थ्रोअर की एमो है बेसिकली। इससे हुआ क्या, दिखाना ज़रा। Enables lightning fast aiming. ओके, हाँ क्योंकि फोकस करने में टाइम लेता है ना ये। हाँ अब इमिडिएटली फोकस हो रहा है इसमें, ये देखो वो एक्स बहुत जल्दी श्रिंक हो रहा है, पहले ना बहुत टाइम लेता था फोकस होने में, तो ये बढ़िया हो गया। अब या तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ या फिर वापस पीछे से चलते हैं, पीछे से चलता हूँ मैं क्योंकि वो भी है ना ऊपर यार। ओके ये तो इधर आ गया, लॉल। मैं ना बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा, मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ थोड़ा सा, भले ही मेरे को थोड़ा लंबा चक्कर लगाना पड़े, लेकिन भाई मैं पता चला अचानक से सेंस कर लिया उसने मेरे को, तो अटैक ही कर देगा मेरे पे, वो चीज़ का रिस्क नहीं ले रहा मैं बिल्कुल भी। अब भागो यहाँ से, तो भागो। अच्छी बात है कि जो टायरेंट था उसको तो एडा ने उड़ा दिया था व्हीकल से, तो अभी के लिए तो हम फ्री है, लेकिन एक और टायरेंट हमारे पीछे पड़ेगा थोड़ी देर में, इतना तो मेरे को याद है। ओके, तो मेरे को बेसिकली उधर जाना है राइट, वहाँ पे प्रेस रूम है और वहाँ से हमें फिर आई थिंक डेफिनेटली उसमें से तो मेरे को फ्लेम थ्रोअर की एमो ही मिलेगी, क्योंकि आगे जाके मेरे को फ्लेम थ्रोअर मिलने वाला है। ये देखो सेव कर लिया, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कैरी करना ना। नहीं चलो, आई थिंक यहाँ पर भी ज़ॉम्बी उठे हुए हैं एक दो। हाँ वो ना आगे बिजी है, तो मैं चुपचाप पीछे से उठा लेता हूँ जो मेरे को लेना है। ये रहा, यही वो ड्रॉअर है, ये रहा, मेरे को लग ही रहा था प्लेन थ्रो की एमओ ऐसे। नाइस, अब मैं चुपचाप निकल लेता हूँ पीछे से। देखो
मैं धीरे ही चल रहा हूँ, यहाँ तो भाग ही सकता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले इसको अंदर डाल देते हैं क्योंकि अभी फ्लेम थ्रोअर है नहीं अपने पास, तो इसको रखने का मतलब नहीं बनता। और सेव कर लेते हैं और अब वापस चलते हैं। अब मुझे बस अब लूट लूट के लिए मेरे को उस लॉकर लॉकर की तरफ जाना है। आई थिंक मैं जा सकता हूँ उसकी तरफ। मेरे को अपने खाली देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से गया था मैं आगे गेम में। अच्छा लग रहा है, सारी अटैचमेंट जब होना तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। पूरा नीचे से आना है ना, ये तो वो वाला रास्ता है। ये रहा, आ गए। क्या? एक मिनट, क्या एलिवेटर कहाँ गया? भाई क्या ग्लिच था देखना, मैं डर गया एक बार को। भाई एलिवेटर नहीं यहाँ पे, आ गेम में कैसे जाएंगे आगे? मेरे को लंबा रूट लेना पड़ता फिर आए थे, एक लंबा रूट था क्योंकि भाई मैं डर गया था, मैं सीरियसली डर गया था। भाई क्या ग्लिच हो रहा है भाई ये? हेलो, ओके, तो मेरे को ये प्लग चाहिए लेकिन मैं निकाल दूंगा तो मैं फिर वापस यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा। और मेरे को यहाँ से आगे जाना है क्योंकि तो यहाँ से आगे आई थिंक इसी रास्ते पे मेरे को लॉकर मिलेगा बेसिकली, है क्योंकि तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कहाँ है वो लॉकर। लोअर पे था क्या ये? तो सप्लाई स्टोरेज रूम है जहाँ मैं, जहाँ पे मेरे को अपना लास्ट प्लग मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ठीक है, कंट्रोल रूम ये रहा, डायल लॉक ये रहा ना, यही यही तो चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे जाना कैसे है, कंफ्यूजन इतनी है। इधर से ही रास्ता था, वो रास्ता थोड़ी ना है। कहाँ था यार वो लॉकर, मेरे को याद नहीं आ रहा। रुको रुको रुको, नहीं ऐसे ही तो गया था मैं, मेरे को ऐसे ही तो मिला था लॉकर वो। एक मिनट चेक करने दो मेरे को जरा। हाँ, आई थिंक सही आ गया मैं, सही अब सही आ गया। हाँ, यहीं पर लॉकर है वो। हाँ, पहुंच गए लॉकर वाले रूम में, आ गए। इसके अंदर रहेगा ना लॉकर वो। नाइस, मेरे को खाली अब इसका वो चाहिए, बेन मेमो। सुअर्स का आई थिंक रहेगा, वो सुअर में मिला था ना मेरे को जो भी था। ये रहा, SZ और F। ओके, SZ और F मिल गया। क्या है इसके अंदर, एमओ ही होगी वैसे तो। हाँ, मैगनम एमओ थी। नाइस, मैगनम तो इम्पोर्टेंट है भाई। चलो अब मैं फाइनली प्लग व्लग ले सकता हूँ। इधर आके सेव कर लेता हूँ मैं सबसे पहले।
अब फाइनली जाके मैं प्लग ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं पीछे जाके वो प्लग ले आता हूँ, रूक वाला प्लग था आई थिंक पीछे। ये बुरा लग रहा कि मेरे को चक्का लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं वहाँ से प्लग निकालता ना तो मैं वहाँ से आगे नहीं जा पाता, तो मेरे को अब मैं पावर पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंकि तो वो मैंने स्लाइड मार लिया था वहाँ पे गटर पे नीचे, तो इसका मतलब मैं वापस ऊपर नहीं आ सकता, तो ये तो पंगा ही हो गया। मैंने कहा मैं वापस आके उठा लूँगा प्लग, लेकिन नहीं, ये देखो कितना घूम के आना पड़ा। अभी इधर से ही मैं उधर गया था और ये फिर छोड़ो भाई, थोड़ा सा स्पीड रन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। फाइनली अब ये प्लग निकाल सकता हूँ मैं, इसका काम हो गया। अब इसको मैं स्टोर करके आ जाता हूँ पहले, क्योंकि मेरे को अपनी जगह खाली रखनी पड़ेगी इन्वेंटोरी में, क्योंकि वहाँ पे मेरे को प्लग भी मिलेगा प्लस मेरे को वो भी तो मिलेगा फ्लेम थ्रोअर, तो रखने की जगह तो चाहिए। उस जॉम्बी को नहीं छेड़ रहा मैं, जब तक वो उठेगा नहीं तब तक मैं उसको छेड़ नहीं रहा। अभी पता चला मैंने मार दिया फिर वो उठ गया, फिर वो ज़्यादा परेशान करेगा। अब मैं लेफ्ट साइड वाला क्लियर कर सकता हूँ, सप्लाई स्टोरेज रूम जो था वहाँ पे लूट भी पड़ी है नीचे, प्लस वहाँ पे यार वो भी आएंगे। हो गया ओके। अब आगे चलते हैं, कितनी एमओ है मेरे पे, 7 है मैगजीन पे और 10 है, और इसकी डैमेज भी बढ़ गया है अटैचमेंट लगने से, और फोकस भी जल्दी करेगा ये, तो आई थिंक मैं वहाँ नीचे मैगनम यूज़ कर सकता हूँ। ओके मैं पहले नाइफ सेलेक्ट कर, नाइफ को हटा के नेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर कोई मेरे को वहाँ पे नीचे पकड़ लेता तो एटलीस्ट उसका हाथ तो फट जाएगा। अच्छी बात यह कि जितने भी डोर वगैरह थे वो सब मैंने खोल दिए, तो एटलीस्ट एक दिक्कत तो परेशानी तो कम हुई एटलीस्ट। मैं मैग्नम ही निकाल के रखता हूँ, लाइटिंग हॉक निकाल के रखते हैं, मतलब गिनो ना। What the hell was that? Oh my god, this is getting worse. लूट तो है यहाँ पे, इधर कहीं तो लूट है, पर मेरे को पता नहीं है मैं लूटने का टाइम मिलेगा भी मेरे को लूटने तो नहीं देंगे। ओके यहाँ पे हो सकते हो, ये रहा ये देखो इधर ही बैठा है। वो मिस तो कर दिया मैंने, क्लियर हो गया। अब मैं बेफिक्र होकर आगे चल सकता हूँ, यहाँ से भी निकलेगा ना। हाँ
एक एमओ मिस हो रही है मेरे को, एग्जैक्टली आग में मारना पड़ेगा नहीं तो वो एमओ मिस हो रही है बेसिकली। ओके विदाउट डैमेज ये तो आ गए, वापसी जाने में भी दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके यहाँ पर भी मेरे को पजल सॉल्व करना है बेसिकली, ये मेरे को परेशान करेगा। मिक्स कर लूँ मैं इसको अभी, मेरे पास ब्लू हर्ब नहीं है तो हाँ तो इसे सीधा मिक्स कर सकता हूँ। ओके आई थिंक मेरे पास इनफ जगह है कि मैं सारी लूट लेके जा सकूँ। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे आई थिंक मेरे को दो प्लग मिलेंगे बैक टू बैक, है ना वो रफली हमारा। ये रहा पहला रास्ता, ये बंदे राइट। अरे वाह इधर ही मिल गए, ये भी ठीक है चलो भाई बन ही गया सीधा। ऊपर से नीचे आ सकता हूँ लेकिन ओके लग तो मिल गया, इधर है। जिसको ऐसे इसको खींचूंगा तो ये बंद हो जाएगा बेसिकली राइट, ये बंद हो गया, ये तो लगेगा नहीं, ये लग सर इधर लगेगा नहीं आई थिंक ये। हाँ क्वीन है, मेरे पास क्वीन ही है। हाँ दो मिलने हैं यहाँ से मेरे को, किंग और क्वीन मिलना है बेसिकली। भाई गिर जा मेरे को क्या है। ओके अब ऊपर का काम खत्म। मैं ना यार इसको मैं इसका एक बार में काम निपटा ही दूँ, मैं चाहते ये मेरे को ऐसे परेशान करे सीरियसली। ये बंद है और वो है ना, किंग तो मिल गया। इधर तो क्वीन लगेगा, क्वीन और इधर किंग। हाँ हो गया हो गया हो गया, अब मेरे को बस इधर से किंग इधर से क्वीन को खींचना है। अब वापस यहाँ से निकल के अब निकल जाओ यहाँ से बस, इजी पीजी। अब वापसी के टाइम ना मिले यार वो मेरे को म्यूटेंट्स, सही मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब मेरे पास तीनों हो गए, अब निकलते शांति से यहाँ से, प्लीज़ मेरे को मत परेशान करना। मैं सीधा भाग ही जाता हूँ, मैं अब रुकूँगा नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लूटने के लिए तो कुछ है नहीं मेरे लिए। नहीं उल्ट गलत जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, वो ये कैसे बच गया मैं इससे, वो भाई वो मेरे को पकड़ने के लिए आ रहा था ये, भाई मैं बच गया भाई जैसे तैसे मैं बच, सही में भाई कैसे बच गया मैं। मेरे को मैं चढ़ नहीं पाऊंगा वहां से, मेरे को एग्जैक्टली बीच से जाना पड़ेगा चढ़ने के लिए, लेकिन मैं चढ़ गया भाई, मैं उससे बच गया।
एमओ भी वेस्ट नहीं करनी पड़ी भाई। सही है भाई, ये तो बेस्ट था, ये बेस्ट डॉच किया मैंने सही में। मेरे को लगा भाई वाओ जस्ट वाओ यार, मुझे इसको पहले ही मार देना चाहिए था सही में, क्या सरप्राइज अटैक दिया है। चलो भाई मुझे लग ही रहा था भाई ये करेगा बाद में काम खराब, पर मैंने सोचा भाई मैं बच जाऊंगा इससे, पहले ही मार देता। चलो ठीक है भाई, मैंने एमओ बचा ली, मैं खुश हूँ, क्योंकि अभी बॉस फाइट होने वाली है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वहाँ पे मेरे को बहुत एमओ लगने वाली थी, तो ये मैंने अच्छा किया, मैंने एमओ बचा ही लिया एक तरीके से। ओके मेरे पास ग्रीन हब कितनी सारी है, मेरे पास फर्स्ट एड 4 है सही में भाई, मक्खन चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, नहीं ग्रेड ही रखते अपने पास। दे देखो डैमेज लग गया लेकिन कोई बात नहीं। चलो वो इसलिए वहाँ पे लेटा था कि वो सबसाइड सब पकड़ेगा मेरे को सरप्राइज में। ओके क्लू क्लू समझते, बेसिकली ये रहा ना हमारा क्लू, प्रिटी श्योर रुक एंड नाइट आर ऑन द सेम वॉल, तो रुक और नाइट सेम वॉल पे रहेंगे राइट। तो पहले रुक और नाइट को मैं अरेंज कर देता हूँ, जिनमें फोटो लगी है वो तो वहीं पे लगेंगे, मुझे उनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी। जैसे कि ये है पॉन और पॉन पॉन पे लगा हुआ है, तो रुक क्या बोला इसने, रुक एंड नाइट, रुक क्या होता है, ये घोड़ा है ना, नहीं आई थिंक ये गलत है। घड़ घोड़ा घोड़ा तो घोड़े पे वॉल पे ही रहेगा। हाँ पिक्चर जो पिक्चर पे है उनको तो लगा ही दो पिक्चर के अकॉर्डिंग, इसका भी नहीं पता। उसने बोला रुक, ये पॉन हो गया, ये क्या है, एक मिनट इसको खींचते हैं, तो पहले देख लेता हूँ कौन किया है, एग्जामिन करना जरा। ये रुक है, ये तो क्वीन है ये भी पता है, ये किंग है ये पता है, और ये बिशप कहते हैं ना इसको, हाँ बिशप है ये। तो इस अकॉर्डिंग टू नोट रुक और नाइट सेम वॉल पे है राइट। रुक हो गया, नाइट बोला उसने, नाइट तो ये है। ओके तो यहाँ पे रुक यहाँ नहीं आएगा है ना, रुक और नाइट अगर सेम वॉल पे है तो नाइट ये है और रुक फिर एक मिनट दो है छेद है, पता कैसे चलेगा कि रुक किस में आएगा, पूरा क्लू पढ़ते हैं। एंड बिशप एंड क्वीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो बिशप और क्वीन साथ में नहीं है अलग अलग है, बिशप और क्वीन, दी क्वीन एंड रुक आर अपोजिट टू ईच अदर, दी क्वीन एंड बिशप अपोजिट टू ईच अदर, तो रुक और अपोजिट होगा अगर, तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर मैं रुक को लगाता हूँ तो यहाँ पे क्वीन आएगी, बेसिकली रुक और क्वीन अपोजिट टू इच अदर राइट। तो और नाइट के साथ रुक रहेगा, तो यहाँ पे रुक लगा देते हैं एंड वहाँ पे क्वीन को लगा देते हैं, ठीक है सही 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 किया ना, रुक एंड नाइट एक से सेम वॉल पे आ गए एंड क्वीन और रुक एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे ठीक है। हाँ तो रुक हो गया और क्वीन हो गई, और बिशप और क्वीन साथ में नहीं है राइट, तो अगर यहाँ पे क्वीन है तो और बिशप और क्वीन साथ में नहीं है तो इसका मतलब बिशप की जगह किंग आएगा यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे फिर आएगा हमारा बिशप, नाइस हो गया ये हुई ना Okay, बात, almost there, Ada. क्या बात है भाई इजी था, थोड़ा सा टाइम लगा थोड़ा सा, मतलब 2-3 मिनट पर 5 मिनट पकड़ के चलो, लेकिन कर लिया सॉल्व, चलो इजी था लेकिन। ओके अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बॉस फाइट होने वाली है मेरे को याद आ गया,
मैं इसको पीछे जाके ना संगवा लेता हूँ। मेरे को लग रहा है मेरे को दो हीलिंग आइटम ले लेने चाहिए सही में। लेट्स डू वन थिंग यार, मैं इसको नहीं, इसको नहीं, मे बी इसको कूल कर लेते हैं। एंड मैं एक ना फर्स्ट एड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बॉस फाइट तो होनी ही है, राइट? तो और डैमेज तो होगा, तो प्रिपेयर कर लेते हैं ना यार खुद को। मेरे को उधर पावर चालू करनी है, जैसे मैं पावर चालू करूंगा कांड सीधा कांड होगा। आई थिंक मैं दो ग्रीन हर्ब और नहीं, एक ग्रीन मतलब दो ग्रीन के साथ एक ब्लू भी कंबाइन कर सकता हूँ मैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। ये रहा ना मेरा वो कॉम्बिनेशन, आर बी जी आर बी जी आर बी, टेक आउट करना ज़रा और कंबाइन करना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ओके लोगे, आई थिंक मैं ठीक हूँ अभी। ओके अगर मेरे को सही से याद है तो मेरे को ना उस पर एमओ बेस नहीं करना चाहिए, मेरे को पता है नहीं वो कैसे मरेगा। अरे ये देखो यहाँ पे ये वाला है। अरे यार ये ना सब मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आगे मेरे को लूट मिलेगी आगे, और मेरे को अपनी इन्वेंटोरी खाली लेती है। भले ही मैं 10 चक्कर मेरे को क्यों लगाने पड़े भाई, लेकिन मैं रेस्ट नहीं ले रहा बिल्कुल भी। वाह ये दे क्यों रखा है जब बंदी रखना है, तीनों साथ में ही दे दिए हैं बताओ। ठीक है अब सेव कर लेता हूँ मैं। ओके आप सीधा मेरे को खाली वहाँ पे सर्किट बनाना है, बेसिकली चार वहाँ पे स्विच है, उनको देखना पड़ेगा कैसे ऑन करना। तुक्का ही लगाना पड़ेगा वहाँ पे, तो तुक्का ही लगेगा और क्या लगेगा। यार मेरे पास फ्लेम थ्रोअर है और मैं ओके मैं अभी तो यूज़ करूँगा नहीं फ्लेम थ्रोअर, अभी अगर बॉस फाइट होगी भी मतलब होनी ही है, लेकिन मैं इस पर फ्लेम थ्रोअर तो यूज़ करूँगा, तो एमओ रखने की ज़रूरत नहीं फ्लेम थ्रोअर की। ओके ज़्यादा हो गया। हो गया नाइस। अब यहाँ पे आएगा बॉस, अब यहाँ पे मेरे को बचना है बेसिकली, मेरे को यहाँ पे डॉज गेम खेलना है। तो जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ से इधर लव जी, जीसस क्राइस्ट मेरे को ये दरवाज़ा खुलने का वेट करना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पे डैमेज नहीं लेना था, ले लिया। पर मेरे को ना मूव करते रहना पड़ेगा, मैं रुक गया ना, मैंने गलती कर दी वहां पे। अब लेकिन आग भी तो फैल रही है, कम ऑन ब्रो आ जा दरवाजा फोड़ के। आ रहा बच गए अभी से, मैं इसको मैं एमओ, वो भाग रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं मुड़की नहीं देखने वाला। आगे देखो आगे देखो, ओके मुझे उसको यहाँ पे अटकाना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे नेट यूज करना पड़ेगा। मेरे को जगह बनानी पड़ेगी अभी।
ओके एक बार तो हो गया। भाई वो एग्जैक्टली मेरे पीछे चिपक के भाग रहा है। सीरियसली डूड मेरे पे हीलिंग नहीं है ब्रो प्लीज। ओके हो गया आई थिंक हो जाएगा। मेरे को ना इसको इधर अटकाना पड़ेगा कि इधर रुक जाए। मैं मर गया अब कुछ नहीं हो सकता। मर गया बताओ। बैक स्लैश की चीज सेंस बनाती है हाँ? उसने बैकलैश मारा मेरे को घूम के एकदम। बताओ भाई मेरे को ना उसको आग पे मारनी है बेसिकली। नहीं यार डैमेज नहीं लेना डैमेज नहीं लेना। कम ऑन डू यार मैं इसके पंजे पे ही आ रहा हूँ जैसे तैसे करके। मेरे को इसको अटकाना पड़ेगा मेरे पास कोई सारा नहीं है। Now I got you. यहाँ पे मेरे को शॉटगन यूज करनी चाहिए ताकि ये स्टैगर हो जाए एटलीस्ट। अगर ये स्टैगर नहीं होगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा। ये देखो ये फायदा हुआ है शॉटगन से ना स्टैगर हुआ ये एटलीस्ट। भाई मारा ही मारा उसने वो छोड़ के ही नहीं दे रहा भाई। मेरे को इसको अटकाना है इधर कैसे। हो गया अटक गया अटक गया अटक गया। Let's do this. ये बस उठ ना जाए मेरे को डर इस बात का है। मैं रेडी हो जाता हूँ फेंकने के लिए जैसे ही उठेगा ना मैं फेंक दूंगा। उठ गया हो गया काम नाइस। फाइनली ये काम निपटा भाई इसका। मैं सही टाइम पे मैंने वो अगर स्टन नीड नहीं किया होता ना तो भाग के मेरे पास उछल के आ जाता भाई वो सीरियसली। मेरा वो स्टन ग्रेनेड करने का आइडिया बहुत सही था सही में। हाँ यहाँ पे लूट है अभी क्या मिस कर दिया अभी पता नहीं कहाँ पे दिखा रहा है लेकिन अहम दिखा रहा है। अरे ये है नीचे फाइनली। चलो भाई ज़्यादा एम चलो मर गए दूसरी बार कोई बात नहीं लेकिन एटलीस्ट निपट गया वो। अच्छा मैंने मैग्नम यूज़ नहीं करी मेरे को खाली उसको स्टैगर करना था। शॉटगन ने वो काम बखूबी कर दिया मेरे लिए और ज़्यादा एमओ भी वेस्ट नहीं हुई। एक स्टन वेस्ट हो गया चलो लेकिन कोई बात नहीं। अरे आई थिंक समझ गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ ये डोर जो पहले नहीं खोल रहा था मैं ना ऊपर सेव मार रही हूँ पहले। भाई इस गेम को कोई भरोसा नहीं है भले ही मैं दूसरी बार गेम क्यों ना खेल रहा हूँ मैं रिस्क नहीं लेने वाला बिल्कुल भी। चलो भाई ऐसे फाइट्स के लिए मेरे को शॉटगन की एमो बचा के रखनी चाहिए क्योंकि एनिमी स्टैगर हो जाता है ना तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। चलो जी एडा एडा वेयर आर यू ओवर हियर एडा आई एम गेटिंग वरीड देयर फॉर अ सेकंड आई कांट गेट इट आउट आई डोंट नो इफ आई शुड जस्ट डू इट आई कांट वॉक लाइक दिस। Okay. It's gonna hurt. Hold on.
can do it myself. Just relax. अरे नाटक क्यों कर रही है? ये तो वैसे तो धोखा देने वाली है. उस पर से हम तेरी मदद कर रहे हैं भाई. ले ले मदद चुपचाप. So, what do we do now? Get yourself out of here. While you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. Of course. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Score तो तू रख रही थी. हमें equal कर दिया score basically. समझी? Grab my shoulder. 2-2 हो गया अब score. Okay, just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I could fit it in my schedule. अबे schedule की क्या बात कर रहा है? कुछ कहीं नहीं करने के लिए. बोल दे well हूँ मैं. चलो. Yes, ma'am. नाटक देखो लियोन का. तो basically इसके बाद ना Resident Evil 4 जो है उसकी स्टोरी टेक प्लेस करती है, जिसमें हमारा इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद लियोन वो बन चुका है, एक्सपीरियंस आ चुका है उसको. और आई थिंक उसके बाद लियोन स्पेशल फोर्सेस वगैरह कुछ ज्वाइन करता है और वहाँ से फिर लियोन को स्पेशल असाइनमेंट मिलता है कि प्रेसिडेंट की बेटी को बचाना है, जो स्टोरी है बेसिकली Resident Evil 4 की. अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं OG वाली पुरानी जो Resident Evil 4 है वो खेलूँ तो तुम मेरे को कमेंट बता सकते हो. वो भी खेलेंगे हम फॉर द स्टोरी से कि कैसे लियोन इतना एक्सपीरियंस हो गया. रीमेक तो यार दीदी एक मिनट रुक जाओ. तो Resident Evil 4 तो उसका रीमेक भी आया है. आई थिंक 2000 लास्ट ईयर ही आया था उसका रीमेक. लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसका रीमेक आया था रिसेंटली. वो तो खेल नहीं पाऊंगा मैं बिकॉज मेरे सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से. लिमिटेशन क्या है बोलो, मेरा सिस्टम आउटडेटेड है भाई. मैं खेल नहीं सकता ज़्यादा जो 2021 या हाँ 2020 या 21 के बाद की जो गेम्स है मैं खेल नहीं सकता, क्योंकि मेरी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं करेगी. ये बड़ा पंगा है मेरे साथ. तो लेटेस्ट गेम तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन जितनी गेम्स मैंने नहीं खेली वो सब तो मैं ऑब्वियसली कवर करूँगा ही करूँगा. चलो अब यहाँ पे मेरे को पता है क्या होने वाला है. ये पूरी तरीके से फंसा लेगी लियोन को. आई मीन एक किस अगर लड़की कर देती ना तो लड़का फिर तो बावला ही हो जाए. फिर तो लियोन जान दे देगा एडा के लिए. लेकिन अब इसको धोखा जो मिलेगा ना एकदम लास्ट में जाके क्लाइमेक्स वाला जब सीन आएगा तब इसका तो मुंह ही उतर देगा भाई. एडा ने तो ठस्सा दे दिया मेरे को. ठस्सा मतलब बेसिकली धोखा दे दिया. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? कैसे फंसा रही हो भाई? मैं तो ऐसे भरोसा नहीं करता किसी पर. सीरियसली मैं तो समझ गया हूं. Trust me? तुम लोग भी किसी में आंख बंद करके भरोसा मत करना. If I didn't, you'd probably be dead. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. I mean, ये लंगड़ी हालत में नहीं कर सकती ना G virus acquire Wesker के लिए. तो ये Leon को वो कर रही है set. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? ये देखो बस ये इसी की कमी थी. Ah, no man. Fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Ness. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this.
okay? Oh, man. Leon. Counting on you. I know. ये नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टफ पार्ट होने वाला है इस गेम का, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज भी डिफरेंट आएंगे, प्लस यहाँ पे लिकर भी आएंगे, यहाँ पे ट्राइंड भी आएगा मेरे पीछे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और आई थिंक यहाँ पे विलियम से भी तो फाइट होगी, हमारे जो बॉस फाइट है वो भी याद है मेरे को, उसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी फर्स्ट प्ले थ्रू में। यहाँ पे कुछ लूट है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। अरे तुम दरवाजा खोलो भाई, सीधा सीधा। Investigate the lab. I wonder where the G virus is. बहुत जल्द पता लगने वाला है हमें। ओह नाइस, यही तो चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट है। मैप, बिना मैप के तो कैसे ही होगा, कहाँ अटक जाता हूँ ऐसे ही मैं, अगर मैं ऐसे अटकने लग गया ना तो मैं तो मर मर गया, फिर हो गया मेरा काम। ओके, आई थिंक इस एपिसोड को यही पे एंड करूँगा मैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें फर्दर प्रोग्रेस करना पड़ेगा, वहाँ पे जाने के लिए हमें लेवल 2 रिस्टबैंड चाहिए, मतलब हमें अपनी चिप को अपग्रेड करना है, अपग्रेड चिप लगानी बेसिकली, क्योंकि हमारे पास लेवल 1 का बैंड है, आईडी बैंड जो है, यस, इसको हमें लेवल 2 करना पड़ेगा, मतलब ब्लू कलर का करना पड़ेगा इससे आगे जाने के लिए, तो हमें इधर जाना है बेसिकली, और वो हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सी या।